नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद उपयोगी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग हम नियमित रूप से अपने भोजन में करते हैं और इसका हमारे स्वास्थ्य से विशेष संबंध होता है, और वह चीज़ है नमक। नमक के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। नमक कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है, इसको बताने के बाद ही मैं खुद आपसे पूछूंगा कि आप कौन सा नमक लेना पसंद करेंगे, या आप स्वयं ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा नमक आपके लिए बेहतर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नमक आखिर बनता कैसे है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है, और इसका जवाब भी आपके दिमाग में घूम गया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि शायद आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि नमक समुद्र के जल को वाष्पीकृत करके बनाया जाता है, चाहे प्राकृतिक रूप से वाष्पीकृत किया जाए या कृत्रिम तरीके से वाष्पीकृत किया जाए, समुद्र के जल को वाष्पीकृत करके या वेपोराइज्ड करके नमक बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। नमक बनता है सिर्फ एक रासायनिक क्रिया के तहत, वह है क्षारीय यौगिकों और अम्लीय यौगिकों के बीच होने वाली क्रिया। अगर हम किसी अम्लीय यौगिक और क्षारीय यौगिक को आपस में रिएक्ट कराएं, आपस में क्रिया कराएं, तो परिणाम स्वरूप हमें नमक मिलता है और जल भी मिलता है। यह नमक सोडियम बेस्ड नमक भी हो सकता है, पोटेशियम बेस्ड नमक भी हो सकता है, या कोई और तत्व हो सकते हैं। फिलहाल मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नमक, उस साधारण नमक की बात कर रहा हूँ जिसका हम भोजन में प्रयोग करते हैं, जिसका आम आदमी के स्वास्थ्य से खास लेना देना है, अच्छा सीधा सीधा संबंध है। तो नमक को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक नमक वह होता है जो समुद्री नमक कहा जाता है, और दूसरा नमक होता है जिसे हम पहाड़ी नमक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि समुद्री नमक समुद्र से मिलता है और पहाड़ी नमक हमें पहाड़ से मिलता है। अब नमक तो सिर्फ एक ही रिएक्शन से बनने वाला है, वह है अम्लीय यौगिक और क्षारीय यौगिक के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया, और दोनों ही नमक में बहुत से मिनरल्स होते हैं, बहुत से तत्व होते हैं, लेकिन जो नमक हम खाते हैं वह नमक होता है सोडियम क्लोराइड। अब यह सोडियम क्लोराइड जो हम समुद्री नमक से लेते हैं या पहाड़ी नमक से लेते हैं, दोनों ही नमक में सोडियम क्लोराइड की जो प्रतिशतता होती है वो 90% से ज़्यादा होती है। कुछ लोग यहाँ पे समझते हैं कि पहाड़ी नमक को केमिस्ट्री में पोटेशियम क्लोराइड या KCl कहते हैं, तो यह गलत है। पहाड़ी नमक को हम सेधा नमक या लाहौरी नमक या रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं, या उसको हम उपवासी नमक भी कहते हैं, लेकिन दोनों ही नमक सोडियम क्लोराइड या NaCl ही हैं। अब एक NaCl जो हमें समुद्र से मिला है और दूसरा NaCl जिस जो हम पहाड़ी नमक के रूप में ले रहे हैं, दोनों का स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है या हमारे स्वास्थ्य से उसका क्या संबंध है, जानना जरूरी है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि समुद्री जल जब वाष्पीकृत हो जाता है तो NaCl बच जाता है, पर सिर्फ NaCl नहीं बचता, बल्कि जल में जो दूसरी शुद्धियाँ होती हैं, समुद्री जल में जो दूसरी इम्प्योरिटीज हैं, वह भी वाष्पीकृत नहीं होती हैं, वह भी NaCl के साथ मौजूद रहती हैं। अब यह शुद्धियाँ कितनी होती हैं, इसकी कल्पना आप इस बात से कर लीजिए कि हमारे धरातल पर जितनी भी अशुद्धियाँ हैं सब नदियों के माध्यम से बह के समुद्र में ही पहुँचती हैं, और जब हम समुद्री जल को वाष्पीकृत करते हैं या होने देते हैं, तो जो NaCl बचता है वह सिर्फ NaCl न होकर तमाम अशुद्धियों को समेटे हुए होता है। अब इन अशुद्धियों को निकालने के लिए एल्युमिनियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं, तो समुद्री नमक को हम कहते हैं कि नमक शुद्ध हो गया, या कंपनियां कहती हैं कि नमक शुद्ध हो गया। और इस नमक को फ्री फ्लो बनाने के लिए पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है, तो हमारा नमक फ्री फ्लो भी हो जाता है। लेकिन अशुद्धियाँ तो दूर हो गई, फ्री फ्लो भी हो गया, लेकिन
यह जो एल्युमिनियम सिलिकेट है या पोटेशियम आयोडेट है, यह अपने आप में एक घातक विष है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी बिगाड़ता है। देखा जाए तो फ्री फ्लो नमक की ज़रूरत हमें होती ही नहीं, क्योंकि हम दाल सब्जी या कुछ भी पकाते हैं तो नमक को पकाने के दौरान ही अपने भोज्य पदार्थ में मिला लेते हैं। कभी कभार नमक कम हुआ तो ऊपर से डाल लिए, लेकिन सिर्फ इतने के लिए हमें फ्री फ्लो नमक की आवश्यकता हो ऐसा नहीं माना जा सकता। हाँ, जो लोग नमक मिला के खाना नहीं पकाते बल्कि पके हुए भोजन में ऊपर से नमक छिड़कते हैं, उनकी आवश्यकता हो सकती है फ्री फ्लो नमक। अब यह जो समुद्री नमक है, यह ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसके लिए अलग अलग सबके विचार हो सकते हैं, क्योंकि समुद्र दुनिया का 3/4 हिस्सा तो समुद्र ही है और आसानी से हर जगह उपलब्ध होता है और बिल्कुल ही सस्ते में बन जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी शायद इस वजह से ही हो, क्योंकि समुद्री जल इस अर्थ का 3/4 तो समुद्री जल ही है और आसानी से बन जाने के कारण, सस्ता होने के कारण इसका लोकप्रियता या लोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो कंपनी हैं जो इनकी मार्केटिंग करती हैं, इससे मुनाफा कमाती हैं, इसको आयोडाइज्ड नमक करके बेचती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट खरीदें। आयोडीन एक मिनरल्स है जिसकी आवश्यकता हमें होती है हमारे शरीर को। यह एक ऐसा मिनरल्स है, अगर इसकी न्यूनता हो जाए तो हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, घेंघा रोग हो सकता है या हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो तो भी हमें बहुत सी परेशानियाँ हो जाती हैं, ऐसी परेशानियाँ जो हमें नपुंसक बना सकती हैं। अगर किसी मेल में, किसी पुरुष में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसके अंदर शुक्राणुओं की बनने की दर कम हो जाती है, शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, और यही बात अगर फीमेल के साथ हो, किसी औरत के साथ हो, तो उसके शरीर में अंडाणु कम बनते हैं। तो दोनों ही स्थिति में पुरुष या तो नपुंसक हो जाते हैं या फिर महिला बांझ बन जाती हैं, मतलब दोनों ही संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है तो। तो ऐसे में अब जो आयोडीन की कमी ना हो ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो थायराइड या घेंघा रोग हो सकता है। तो देखा जाए तो आयोडीन का सोर्स सिर्फ आयोडाइज नमक नहीं होता, बल्कि दाल साग सब्जी में या मांस मछली में या दूध में इतनी मात्रा में आयोडीन होती है कि हमारी जो ज़रूरत है सिर्फ उतने से पूरा हो जाए। अगर आप एक कटोरी दाल भी नियमित खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं थोड़ा, और दूध भी अगर उपलब्ध है, तो यकीन मानिए कि आपकी शरीर की जो आवश्यकता है आयोडीन की वो निश्चित रूप से पूरी हो जा रही है। दूध नहीं भी है तो भी एक कटोरी का दाल आप खाते हैं तो आयोडीन उससे आपकी शरीर की आपूर्ति को पूरा कर देता है। अब आते हैं हम पहाड़ी नमक पर। पहाड़ी नमक बनने में कितना समय लगता है? लाखों साल, क्योंकि जो पहाड़ बनते हैं वो भी समुद्र से ही निकलते हैं और पहाड़ के निर्माण में लाखों या करोड़ों साल का भी समय लग जाता है। और वह जो समुद्री नमक था उसको बनाने में, इस बात पे, उसमें बनाने में कितना समय लगता है इस बात पे निर्भर करता है कि पानी की क्वांटिटी कितनी है, उसको वेपराइज करने में कितना समय लगेगा, वो प्राकृतिक रूप से वेपराइज हो रहा है या कृत्रिम रूप से वेपराइज किया जा रहा है। बस हमको पानी को वाष्पीकृत करना है और नमक निकल आएगा, और उसको मशीनों के द्वारा अगर हम उसमें एल्युमिनियम सिलिकेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला के उसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं या उसको फ्री फ्लो बनाने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा समय और लग गया। तो एक दूसरी बात है, अब पहाड़ी नमक बनाने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। अब जो पहाड़ से हम सोडियम क्लोराइड लाते हैं या जो नमक जिसे मुंशेधा नमक कहते हैं, उसमें भी सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90% से अधिक ही होती है, लेकिन उसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं और यह अशुद्धियाँ एल्युमिनियम सिलिकेट मिलाकर नहीं दूर की जाती, बल्कि प्रकृति इसे प्राकृतिक तरीके से दूर करती है और इसमें ऐसा कोई भी केमिकल, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट नहीं होता जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो ऐसे में पहाड़ी नमक जिसे हम सेधा नमक कहते हैं वह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ नहीं हैं। और अगर आप समुद्री नमक का प्रयोग करते हैं तो अशुद्धियों को निकालने के लिए जिन केमिकल्स का यूज किया गया है वह केमिकल्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हानिकारक ही हैं। अब इसके दूसरे गुणों पर भी ध्यान दिया जाए तो जो समुद्री नमक होता है उसको शुद्ध करने में सिर्फ हम अशुद्धियों को ही नहीं निकालते बल्कि अनचाहे में तमाम मिनरल्स भी निकल जाते हैं। मुश्किल से 3-4 मिनरल्स समुद्री
नमक में बचते हैं जो हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुरूप है। हालांकि हमारी शरीर की आवश्यकता के लिए बहुत से मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समुद्री नमक को शुद्ध करने में तमाम मिनरल्स निकल जाते हैं। और जो पहाड़ी नमक है, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं, वह प्राकृतिक तरीके से शुद्ध किया हुआ होता है और उसमें मिनरल्स की मात्रा 90 से भी अधिक होती है। अब आप खुद सोचें कि एक नमक जिसे हम समुद्री नमक कहते हैं, जिसमें मिनरल्स 3-4 की संख्या में होते हैं, बहुत न्यूनतम संख्या में होते हैं, और इसको शुद्ध करने में जो केमिकल मिलाए गए होते हैं वो केमिकल फाइनली हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। और एक दूसरा नमक जो पहाड़ी नमक है, जो प्राकृतिक तरीके से शुद्ध हुआ है और 90 से अधिक मिनरल्स को समेटे हुए है, तो वो सारे मिनरल्स हमारे शरीर की आवश्यकता है। तो आप खुद सोचें कि आपको सेधा नमक खाना ज़्यादा फायदेमंद होगा या समुद्री नमक। अब मैं किसी कंपनी का तो ऐसे रिव्यू, किसी कंपनी को प्रमोट करना मेरा उद्देश्य नहीं है इस वीडियो में, लेकिन मैं एक विकल्प के रूप में श्री शुद्ध सेधा नमक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यह श्री श्री रविशंकर का उत्पाद है। और यह सेंधा नमक अगर आप यूज करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सेंधा नमक किन कारणों से अच्छा है या किन कारणों से फ़ायदेमंद है यह मैं बता चुका हूँ। और अगर आप समुद्री नमक खाते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है ये भी मैं बता चुका हूँ।